लिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बैंगू जिला इकाई का यह बैठक चल रहा है। बैंगू जिला इकाई की तरफ से उनके वीरेंद्र कुशवाहा को माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी द्वारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रालोसपा के, बिहार प्रदेश राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए हैं। एक तरह से कहिए स्वागत समारोह है और इसी स्वागत समारोह के माध्यम से कैमूर जिला के तमाम साथियों को रालोसपा का जो अगला कार्यक्रम है 12 नवंबर को आक्रोश मार्च है पूरे महागठबंधन की तरफ से, जिसमें तन मन धन से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और महागठबंधन के साथी आक्रोश मार्च दिखाकर नीतीश कुमार के सरकार की जो नाकामियां हैं, जो पूरे बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार है, अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लूट बचा हुआ है, कमीशनखोरी, इन तमाम बिंदुओं को लेकर हम लोग आक्रोश मार्च निकालेंगे और नीतीश कुमार को यह बताने का काम करेंगे कि आपके निकम्मेपन से बिहार की जनता बैठने वाली नहीं है, बिहार की जनता सर्वोत्तम है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का अगला विजन है कि पूरे बिहार के 243 विधानसभा में पार्टी का जहां 80% क्रियाशील सदस्य बन गए हैं, वहां स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 3 दिन का जनसंवाद यात्रा श्रृंखला का आयोजन किए हुए हैं। माननीय उपेन्द्र कुशवाहा जी 3 दिनों तक उस विधानसभा क्षेत्र में कैंप करेंगे, जो विधानसभा क्षेत्र राष्ट्रीय लोक समता पढ़ाई से दवाई तक, कमाई से सिंचाई तक और सुनवाई करवाई से सुनवाई तक, ये जो अहम मुद्दे हैं जो किसान से जुड़े हैं, नौजवान से जुड़े हैं और बिहार के आम आवाम से जुड़े हैं, ये सारे मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे, जनता को गुलबंद करेंगे और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में बिहार को हम एक नया बिहार बनाने का संकल्प लेंगे।